एक ना टूल मैं सजेस्ट करना चाहूंगी, विजन बोर्ड। विजन बोर्ड बेसिकली क्या है कि हम अपनी लाइफ को आगे कैसे देखना चाहते हैं, उनको पिक्चर के फॉर्म में, एक कोलाज फॉर्म में या कुछ कोटेशंस लिखकर अगर हम कहीं पर अपने सामने रख लें या लगा लें, टांग लें, और जब हम कंटिन्यूसली आते जाते इधर से उधर उसको देखते रहेंगे तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ें धीरे धीरे एनग्रेव होना शुरू हो जाती हैं। लाइफ इज़ अ जर्नी एंड यू नो आई ऑलवेज से दैट आई एम अ वर्क इन प्रोग्रेस। हम सब वर्क इन प्रोग्रेस हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हैप्पी एपिकर। आज हम लोग मिलेंगे गीतिका गोयल जी से, जो एक ट्रांसफॉर्मेशनल कोच हैं, और हम लोग उनसे जानेंगे विमेन या मोस्टली होम मेकर्स के बारे में। उनको अपने गोल्स या उनका जो पैशन है उसको कैसे वो लोग आगे बढ़ा सकें। गीतिका जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे हैप्पी एपिकर चैनल पे आने का और हमारे व्यूअर्स के साथ अपने व्यू शेयर करने का। थैंक यू मधुर, इट्स अ प्रिविलेज फॉर मी टू बी हियर। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू। सबसे पहले आप अपने बारे में कुछ बताइए। आप थोड़ी सी हिस्ट्री में जाके आपका जो पैशन है वो, आपका एक प्रोफाइल कैसे बना, उसके बारे में आप थोड़ा शेयर कीजिए। श्योर। सो मधुर, शुरू से ही, बचपन से ही मुझे क्रिएटिव फील्ड्स में बहुत इंटरेस्ट रहा, और स्टडीज़ में मैं ठीक थी तो कुछ ना कुछ साथ में चलता रहा, स्टडीज़ होती चली गई। फिर मैं फिज़िक्स पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। आईआईटी रुड़की से मैंने 1993 में फिज़िक्स में पोस्ट ग्रेजुएशन किया, लेकिन जो दिल था ना वो कहीं और बसता था। दिल में ये बात समझ नहीं आई दिल को कि मैं रेस्ट ऑफ माय लाइफ मैं सिर्फ फिज़िक्स पढ़ाऊँ या फिज़िक्स के रिसर्च पेपर्स लिखूँ। तो वहाँ से एक नई जर्नी मेरे लिए शुरू हुई, और बचपन से ही मैं पेंट करती आ रही थी, लिख भी रही थी थोड़ा थोड़ा। फिर वहाँ से मैंने थोड़ा सीरियसली इस चीज़ को लिया कि जब मुझे पेंटिंग पसंद है तो फिर मैं क्यों ना एग्जिबिशंस करनी शुरू करूँ। तो उसी बीच में शादी हो गई, सारी फैमिली की सारी चीज़ें आगे बढ़ने लगी, बेटा हुआ। पहले मैंने शुरुआत की इंटीरियर डिज़ाइनिंग से। मैंने इंटीरियर डिज़ाइनिंग का कोर्स किया और करीब 5 साल मैंने एज एन इंटीरियर डिज़ाइनिंग काम भी किया। जब बेटा 2-3 साल का था तो हम न्यूक्लियर फैमिली में मूव हो गए, और उस वक्त फिर ये हुआ कि साइट विजिट्स के लिए मेरे पास कोई सपोर्ट नहीं था उसको छोड़कर जाने के लिए। तो फिर मैंने अपनी ब्रश को दोबारा से उठाया और पेंटिंग्स करनी शुरू की, एग्जिबिशंस शुरू की। धीरे धीरे करके और चीज़ें होती चली गई, लिखना लिखना भी दोबारा से शुरू हुआ, कुछ बुक्स भी पब्लिश हुई। ऐसे करते करते चीज़ें आगे बढ़ने लगी। मज़ेदार बात ये हुई कि जब 2009 की बात है, एक समय ऐसा आया कि मुझे लगा कि अब जीवन में ऐसा कुछ कर देना चाहिए जो कि आगे तक चलता रहे। फ्रीलांसिंग तो मैं काफी दिनों से कर रही थी, लेकिन फिर लगा कि अब कुछ ऐसा कर दूं जो कि अगले 15 साल, 20 साल, 25 साल चलता रहे। उस वक्त फिर मैंने मैजिक क्रिएशंस थिएटर एकेडमी के नाम से एक एकेडमी शुरू की ग्रेट। जयपुर में, और वहाँ पर हमने थिएटर और आर्ट के माध्यम से बच्चों को ट्रेन करना शुरू किया। उसके लगभग 8-10 महीने के अंदर हम लोग को गुड़गांव शिफ्ट होना पड़ा। गुड़गांव आने के बाद में सब कुछ बिल्कुल नया था, लेकिन वही होता है ना कि जब आप ठान लेते हो कि कुछ करना है तो फिर वो चीज़ हो जाती है। करेक्ट। यहाँ आकर दोबारा से शुरू किया। 8 बच्चों से हमारी एकेडमी दोबारा से गुड़गांव में शुरू हुई। धीरे धीरे अब 11 साल होने वाले हैं और हम हजारों बच्चों के साथ, हर हर उम्र के लोगों के साथ काम कर चुके हैं। तो ऐसे करके ये थिएटर एकेडमी हुई। इसी बीच में एक और घटना घटी। मेरा जो बेटा है और जो मेरी डॉटर है, दोनों बड़े हैं, तो हॉस्टल जब वो दोनों गए तो उन्होंने मुझसे कुछ ऐसी बातें शेयर की
जिनको सुन के लगा कि अच्छा इन बच्चों से बात करने की बहुत जरूरत है, और कोई ऐसा होना चाहिए जो उनकी बात समझे, उनको कोई सुन ले, गाइड कर सके। कोई गाइड कर सके। एक्चुअली क्या होता है, मतलब गाइड करने वाले काफी लोग मिल जाते हैं जो अपनी ओपिनियंस देते हैं। ओपिनियन देते हैं, हमें ऐसे लोगों की जरूरत होती है कई बार, जो बस सुन ले हमारी बात, अपनी ना बोले भले ही, लेकिन हमारी सुन ले। क्योंकि कई बार जब हम अपनी बात बताते हैं ना, कोई हमें सुनता है, तो वहां से भी बहुत सारी अवेयरनेस क्रिएट होती है। तो उस वक्त फिर मैंने लाइफ कोचिंग का सर्टिफिकेशन किया करीब 5 साल पहले, और वहां से मेरी लाइफ कोच या ट्रांसफॉर्मेशन कोच की जर्नी शुरू हुई। और अब मैं बस वही करती हूँ, मैं लोगों की बात सुनती हूँ और लोगों से सवाल, कुछ छोटे छोटे सवाल करती हूँ, और उन सवालों में ही उन्हीं के उनके जवाब ढूंढने की कोशिश करती हूँ। तो ऐसे करके मेरी एक जर्नी रही, अलग अलग चीज़ों से गुजरते हुए यहाँ मैं पहुँच पाई। बहुत बढ़िया। तो बहुत कुछ आपने जो स्टार्ट, बहुत टाइम लगा आपको यहाँ तक पहुँचने में, जैसा आप बता रही हैं। स्टेप बाय स्टेप आपने अपना जो गोल था वो प्लान किया, और बहुत अच्छे से आपने उसको कार्व आउट किया एक नीश फील्ड में। तो ऐसा ही कुछ आज हम होम मेकर्स के बारे में बात करना चाहेंगे कि जो ट्रांसफॉर्मेशनल कोचिंग है वो, उसके इंग्रेडिएंट्स क्या क्या होते हैं, आप कैसे अपने ऑडियंस से बात करती हैं, क्या समझती हैं। और आज की ऑडियंस जो है मोस्टली हमारी, आज जैसे विमेंस डे भी है तो विमेंस को लेके, और जो होम मेकर्स हैं मोस्टली, उनको अपने गोल्स को लेके क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए, क्या डिस्कस करना चाहिए, तो उसके बारे में आप थोड़ा सा प्लीज ले आउट कीजिए। श्योर मधुर, मतलब ये सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही अच्छा सवाल है। क्या होता है, जब हम एक नए घर में जाते हैं, जब हम एक होम मेकर बनते हैं, तो हमारी जो लाइफ होती है वो फैमिली, बच्चे, हस्बैंड, इन लॉज, इनके इर्द गिर्द घूमने शुरू हो जाती है। और बहुत नेचुरल है, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है एक तरीके से। उन सारे रोल्स को निभाते हुए कई बार ना हम खुद को भूलने लगते हैं कि कभी मैं भी एक लड़की थी, कभी मुझे भी इन चीज़ों का शौक था, कभी मैं भी पेंट करना चाहती थी, कभी मैं भी स्पोर्ट्स में जाना चाहती थी, कभी मैं भी गाना चाहती थी। उन सारे चीज़ों को थोड़ा सा ना हम साइड रख देते हैं, मैं ये भी नहीं कहूँगी कि भूल जाते हैं, लेकिन उनको हम साइड रख देते हैं। और फिर क्या करते हैं कि मेरे बच्चों को क्या सिखाना है, मेरे बच्चों को क्या पसंद है, हम उनकी तरफ बहुत ज्यादा हमारा फोकस हो जाता है। आई थिंक प्रायोरिटीज चेंज हो जाती हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एज यू ग्रो इनटू फैमिली, किड्स एंड किड्स की एजुकेशन। आप अपने एम्बिशन को या अपने हॉबीज को लो प्रायोरिटाइज कर देते हैं, एंड हाँ फैमिली स्टार्ट्स टेकिंग द प्रायोरिटी। यस एब्सोल्युटली। तो अब क्या होता है कि सपोज हम अभी अपने 20s, लेट 20s में, अर्ली 30s में हैं, उस वक्त तो सारा का सारा हमारा जो वक्त है वो फैमिली के साथ बीत रहा होता है। धीरे धीरे करके बच्चे बड़े होने लगते हैं, बच्चे जब टीनेजर्स हो जाते हैं, हम सपोज हम 40 45 की उम्र में आ जाते हैं, उस वक्त बच्चों की अपनी लाइफ हो जाती है। फिर अचानक से हमें एक दिन महसूस होता है कि अब बच्चों को हमारी उतनी ज़रूरत ही नहीं है, और बाकी चीजें भी सेटल हो गई होती हैं, तो परिवार में भी जिम्मेदारियां होती हैं, लेकिन उतनी ज्यादा जरूरत नहीं होती लोगों को। फिर वो एक अकेलापन हमें परेशान करना शुरू कर देता है, हमें समझ नहीं आता कि ये जो इतना सारा वक्त है इसमें मैं क्या करूं, या फिर कैसे मैं खुद को बिजी रखूं, कैसे मैं खुश रहूं। तो अपने जो गोल्स हैं, जो छोटी छोटी इच्छाएं हैं, जो अपने छोटे छोटे गोल्स हैं, उनको कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, उनको ऐसे पकड़ के रखना चाहिए। और शुरू से भले ही ठीक है आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी फैमिली है, लेकिन सेकंड पर आप खुद को रखें, और अपनी जो भी पैशन है उसको साइड बाय साइड आप जरूर उसको भी साथ में लेकर चलते रहें, उसको पूरी तरह छोड़े नहीं, जिससे कि जब वो आए, जो आजकल ये एम्प्टीनेस सिंड्रोम बहुत ही पॉपुलर टर्म हो गई है, कि जब बच्चे चले जाते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारा घोंसला बिल्कुल सूना हो गया और अब कोई कुछ नहीं बचा करने को। बहुत सारे लोगों के साथ जिनके साथ मैं काम करती हूँ मधुर, इस तरह के केसेस मेरे पास आते हैं कई बार, लोगों से बातचीत होती है जिसमें लोग बहुत लोनली फील करते हैं, स्ट्रेस में चले जाते हैं, उनको डिप्रेशन थोड़ा सा रहता है। डिप्रेशन में चले जाते हैं। हाँ,
उनको फिर समझ नहीं आता कि अब मैं क्या करूं, मतलब मैं अपनी जिंदगी को कैसे आगे बढ़ाऊं। और उस पड़ाव पर आकर जब आप ऑलरेडी 45 के हो गए हो, उस वक्त आपके अंदर वो एनर्जी, वो जील थोड़ा कम हो जाती है कि अब मैं नए सिरे से कुछ शुरू नए करूं, सिरे है से कुछ करेक्ट ना। तो मुझे लगता है कि शुरू से ही अगर हम उस पर अपना फोकस रखें थोड़ा थोड़ा, और फिर जब जैसे ही मौका मिले तो उसको बड़ा कर लें, बड़ा करें। आई तो थिंक हम वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप रेस कर रही हैं कि आप किसी भी चीज को बिल्कुल बंद ना करें, कुछ ना कुछ जैसे एक फायर चलती रहनी चाहिए, चाहे वो एजुकेशन की तरफ हो या पेंटिंग डांसिंग फैशन डिजाइनिंग की तरफ या ब्यूटी पार्लर की तरफ, ब्यूटीशियंस कुछ लोग रहते हैं, तो एक वो एम्प्टीनेस बाद में एकदम से अकेलापन नहीं आएगा और आपको एक अपना मैं ये नहीं कहूंगा साइड ट्रैक, बट आपको एक गोल रहेगा हमेशा कि हाँ मुझे ये करना है जब मेरे पास टाइम और आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। मधुर, एक और छोटी सी चीज़ मैं यहाँ ऐड करना चाहूँगी अपने खुद के एक्सपीरियंस से। मैं जब मेरी डॉटर हुई, 2000 बॉर्न है वो, तो उस वक्त मैं अपनी पहली पेंटिंग एग्जीबिशन की तैयारी कर रही थी, और मेरा फर्स्ट आर्ट शो हुआ था जब मेरी डॉटर 11 महीने की थी। तो उसको वो चलना भी नहीं सीखी थी, और उस बीच में उन 11 महीनों में, उसके बॉर्न होने से लेकर उन 11 महीनों में, मैंने अपनी सारी पेंटिंग्स भी तैयार की, और ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था, तो मुझे पता भी नहीं था कि कैसे सारी चीज़ें होती हैं। तो वो सारा तैयारी मैंने की, ऐसे मैं करती थी कि जब वो सो जाती थी तो मैं पेंट करती थी, जब उसको नो कुछ खिला पिला दिया, वो थोड़ा सेटल ले, तब मैं पेंट करती थी। मैंने उसको छोड़ा नहीं। पैरेलली कुछ मेरे फ्रेंड्स से बात होती थी जो सारा का सारा वक्त बच्चों के साथ बिता रही थी, और वो कहती थी जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तब मैं अपना कुछ करूंगी। मैंने बस एक चीज पकड़ कर रखी कि मैंने बच्चों के बड़े होने का इंतजार नहीं किया, बच्चों के बड़े होने के साथ साथ मैं भी बड़ी होती गई, बड़े कि होते हम भी एक ही बार बड़े होते हैं, हम बार बार बड़े नहीं हो सकते। राइट तो इसका रिजल्ट ये हुआ कि दोनों बच्चों को वो क्रिएटिव एंगल शुरू से मिल गया। अब मेरी डॉटर के आर्टिस्टिक स्किल्स बहुत अच्छे हैं, मतलब मैं कहूँगी, मैं उसका क्रेडिट नहीं लेना चाहती, बट आई थिंक उसको वो माहौल मिला, बचपन से वो माहौल मिला कि दोनों में क्रिएटिविटी चली गई, बाय डिफॉल्ट हो गया वो, मुझे ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ा। और एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं यहाँ कहना चाहूँगी हमारे सारे व्यूअर्स से, कि आप जो भी महसूस करते हैं या आप जो जीवन में करना चाहते हैं एज एन इंडिविजुअल अदर देन बीइंग अ होम मेकर, प्लीज आप उसको शेयर कीजिए अपनी फैमिली के साथ, क्योंकि अगर आपकी फैमिली को पता है कि आप ये करना चाहते हैं तो आपको जरूर सपोर्ट करेंगे, और वो राइट शुरू से उनको ये पता रहना चाहिए कि अच्छा मुझे ये चीजें पसंद हैं, ठीक है मैं आपकी केयर करती हूँ, वो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है, लेकिन ये भी मेरी प्रायोरिटी है, तो प्लीज इसको भी आप अकोमोडेट करें राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। करेक्ट नहीं, और अगर डिस्करेजमेंट होता भी है तो भी हमें वो चीज छोड़नी नहीं है, आपको उसके लिए समय निकालना चाहिए टाइम टू टाइम, जिससे आपका जो अंदर दीपक है या ज्वाला है वो चलती रहे और समय आने पे बिल्कुल आप उसको फायर के रूप दे सकें। एंड आगे बिल्कुल जाके एक मैं देख रहा था टाइम्स ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव भी है कि बी अ वॉरियर नॉट अ वरियर, सो यू हैव टू बी अ वॉरियर अक्रॉस द लाइफ। ऐसा नहीं है कि एक टाइम आएगा बोलेगा आज मैंने आई एम रेडी, हाँ, यू हैव टू बी रेडी फ्रॉम स्टार्ट। वेरी ट्रू। बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से आपने इसको समराइज किया, एंड विच इज अ फैक्ट, वही है कि हमको वी नीड टू बी अ वॉरियर नॉट अ वरियर। एंड जो किड्स भी हैं वो भी एक तरह से मदर की तरफ ज्यादा इंक्लाइन रहते हैं, हाउ मदर कैरीज हर सेल्फ, या जो मल्टीटास्किंग लोग करते हैं मदर्स, उनको देख के भी उनमें वो स्किल्स आती हैं। कुछ बिल्कुल मदर्स रीडर्स होती हैं, दे आर गुड रीडर्स गुड डांसर्स, सो वो अकॉर्डिंगली ऑटोमेटिकली वो किड्स भी अपने अंदर इंकलकेट कर लेते हैं वो हैबिट्स। बिल्कुल। और मतलब दिस इज अ फैक्ट कि जो विमेन है ना, वो मल्टीटास्किंग बहुत अच्छी करती हैं, बेटर देन मेन, यस और वो मतलब उनमें इनबिल्ट है, वो है उनके अंदर कि वो कर सकती हैं। तो उस हमारे उस स्ट्रेंथ को ना हमें यूज करते रहना चाहिए अपने लिए भी, वो मल्टीटास्किंग में ऑलरेडी कर रहे होते हैं उसमें से एक बॉक्स अपने लिए भी रख लेना चाहिए। करेक्ट। सो इसके प्रिपरेशन कैसे की जाए, जो अब जो लेडीज हैं हमारी जो शायद समय पूरा कर चुकी हैं, आप अब तक जो हमने डिस्कशन किया वो जो स्टार्ट कर रही है अपनी फैमिली उनके लिए एक हमने गोल सेट किया,
बट मान लीजिए कुछ लेडीज ने वो नहीं कर पाई, वो अब यहाँ पे खड़ी हैं आपके सामने और उनकी 45 ईयर्स या 40 ईयर्स में है, तो उनके लिए क्या आप बताना चाहेंगी कि आप क्या कर सकते हैं? अभी भी बैटल तो खत्म नहीं हुई है, बैटल इज स्टिल देयर, सो व्हाट टू डू, हाउ टू वन दिस बैटल? सी, कोई भी एज बैरियर नहीं बन सकता अगर हम सच में एक डिटर्मिनेशन के साथ कुछ करना चाहें। तो मैं ये नहीं कहूंगी कि देर हो गई है, कभी भी देर नहीं होती, आप कभी भी कोई भी काम शुरू कर सकते हैं। तो अगर कोई ऐसी परिस्थिति रही कि आपने अभी तक उस तरफ ध्यान नहीं दे पाए आप किसी कारण, अब आप शुरू कीजिए। आप तो मैं एक एक ना टूल मैं सजेस्ट करना चाहूंगी, विजन बोर्ड। विजन बोर्ड बेसिकली क्या है कि हम अपनी लाइफ को आगे कैसे देखना चाहते हैं उनको पिक्चर के फॉर्म में, एक कोलाज फॉर्म में या कुछ कोटेशंस लिखकर अगर हम कहीं पर अपने सामने रख लें या लगा लें, टांग लें, और जब हम कंटिन्यूसली आते जाते इधर से उधर उसको देखते रहेंगे तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ें धीरे धीरे एनग्रेव होना शुरू हो जाती हैं। और हम सबको पता है कि अनकॉन्शियस, कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस, जो तीन तरह के हमारे ब्रेन्स हैं, इसमें सबकॉन्शियस ब्रेन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट। 24 घंटे तो चलता है आपका? 24 घंटे चलता है, तो वो सबकॉन्शियस ब्रेन को अगर आप स्टिमुलेट कर देंगे इस तरीके से कि अच्छा मुझे ये करना है, मुझे यहाँ पहुँचना है, तो वो कहीं ना अंदरूनी तौर से आपके दिमाग में वो चीज़ें, वो वायरिंग होने लगती है। वी कॉल इट लाइक यू नो रीवायरिंग योर ब्रेन्स। हमारे जो ब्रेन की वायरिंग है ना, आप उसको रीवायर कर सकते हैं इस टूल के साथ में। तो मैं ये बोलूंगी कि आप ये ना सोचें कि आज से 10 साल बाद मैं कैसे देखना चाहती हूँ। आप सिर्फ 1 साल के लिए विजन बोर्ड बनाएं कि आज अगर हम, आज जो भी डेट है उससे 1 साल बाद मैं अपने आप को कहाँ देखना चाहती हूँ या कैसी जिंदगी देखना चाहती हूँ, क्या मेरी प्रायोरिटीज हैं, उनको ध्यान में रखते हुए आप एक अपने लिए एक विजुअल फॉर्मेट बनाएं और उसे कहीं लगा दीजिए अपने घर में, और फिर उसका कमाल देखिए। डेफिनेटली चीजें मूव करनी शुरू हो जाएंगी। और दूसरी बात अच्छी ये होगी कि आपकी फैमिली को पता चल जाएगा जैसे ही आप उसको लगाएंगी कि ये आपकी इच्छा है, ये आप करना चाहते हैं, और उनका सपोर्ट भी आपको साथ में उनको मिलेगा। उनका भी सपोर्ट उस पे, उस इमेज पे या उस विजन बोर्ड पे एनर्जी देगा। बिल्कुल बिल्कुल आई थिंक एक मैंने बुक भी पढ़ी थी सीक्रेट, एक आपने भी शायद पढ़ी होगी सीक्रेट बुक, रोंडा ब्राइन। सो उनका भी एक यही है कि आप एक जो इट्स अ यूनिवर्स, यूनिवर्स इज देयर एंड यू पुट योर थॉट्स देयर एंड व्हाट यू आर यस पुटिंग देयर विल कम बैक टू यू इन मल्टीफोल्ड्स। सो आई थिंक एब्सोल्युटली दैट्स व्हाट यू आर गोइंग टू। एक बहुत अच्छी बात है ये कि जो हम सोच रहे हैं वो अगर हम एक जगह पे बना दें उसको इमेज या कुछ भी थॉट्स पे, तो वो धीरे धीरे एनर्जी उसमें आती रहेगी एंड वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो हो जाएगा। हो जाएगा। वही लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो आपने अभी यस बात बोली, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है। दो चीजें बहुत जो मैंने अपनी जिंदगी में भी देखी हैं, एक तो विजन बोर्ड और दूसरा चीजों को लिखना। जो भी मेरी एक डायरी है जिसमें मैं लगभग सारी चीजें ना लिख देती हूँ कि मुझे ये करना है या मुझे ये चाहिए या मैं चाहती हूँ मैं ऐसी बनूं। और जब आप लिख देते हैं ना, जैसी आप अपने मन को एक्सप्रेस करते हैं, आप उस चीज को एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं, और जब एक्सेप्ट करना शुरू करते हैं तो वो चीज़ प्रोसेस में आनी शुरू हो जाती है धीरे धीरे करके। हमारे व्यूअर्स अगर चाहें तो ये विजन बोर्ड और जो एक डायरी ऑफ गोल्स यूज करना शुरू कर सकते हैं। कुछ और सैंपल आप बता सकती हैं कैसे विजन बोर्ड पे, कुछ कैसा फॉर्मेट है, या कुछ भी आप लिख सकते हैं या कुछ भी आप उस पे पेस्ट कर सकते हैं? उसका मैं 2-3 स्टेप्स बता देती हूँ। सबसे पहले आप एक लिस्ट बनाएं उन चीज़ों की जो आपकी लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, उनकी एक लिस्ट बनाएं। फिर उसके बाद में आप ये देखें कि उन इम्पॉर्टेंट चीज़ों को आप विजुअल फॉर्म में कैसे इमेजिन करते हैं। और मैं फिर से एक चीज़ पे एम्फसाइज करूंगी, आप प्लीज़ बहुत लॉन्ग टर्म विजन बोर्ड ना बनाएं, 1 साल का विजन बोर्ड बनाएं सिर्फ, कि आज से 1 साल बाद आपकी लाइफ में इस पूरे साल में क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। पर्सनल ध्यान दीजिए, इसमें पर्सनल बहुत इम्पॉर्टेंट है। फैमिली के लिए तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन आप एज एन इंडिविजुअल आपके लिए क्या इम्पॉर्टेंट करेक्ट। है, उसमें फैमिली भी आ सकती है बिकॉज वो भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है।
और उनको हम पिक्चर फॉर्मेट, आप पिक्चर्स निकाल लीजिए उसकी, आप मैगजीन से ले सकते हैं, आप अगर खुद ड्रॉ करना चाहते हैं आप प्लीज ड्रॉ कर लीजिए, आप इंटरनेट से इमेजेस निकाल सकते हैं, उनको आप कट कर लीजिए, और कुछ एक स्लोगन्स, अच्छे कोटेशंस ले सकते हैं जो आपको मोटिवेट करते हैं. एक छोटा सा एग्जाम्पल है, सपोज मुझे लगता है कि आई हैव टू लूज वेट बाई नेक्स्ट ईयर, एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मी, क्योंकि हेल्थ मेरे लिए बहुत बड़ी इम्पॉर्टेंस है हेल्थ की. तो मैं ऐसी कोई पिक्चर निकाल सकती हूँ जिसमें एक हेल्दी वुमन है, और उसको मैं, विच वुड बी यू नो माई आइडियल इमेज, उसके साथ में कोई कोटेशन भी लिख सकती हूँ जिस जो कि मुझे मोटिवेट करता रहे, जो कि जिससे मैं कनेक्ट करती हूँ बहुत ज़्यादा करेक्ट अंदरूनी. तो ऐसी कुछ एक पिक्चर्स आप निकालें, और उसको रैंडम एक बोर्ड पर, आप छोटा भी ले सकते हैं बड़ा भी ले सकते हैं जैसी आपकी सुविधा हो, उस पे आप पिक्चर्स का एक कोलाज फॉर्म में पेस्ट कर लीजिए और उसको लगा लीजिए अपनी वार्डरोब पर, वॉल पर, जहां आप उसको रेगुलर देखते रहें आते जाते. एक पोस्टर टाइप आप बना के, एक शॉर्ट टर्म गोल्स जैसे रहते हैं जिसको आप हाँ, देखते रहें, एनर्जी देते रहें, एंड एनर्जी देते, और फिर उसको हर साल आप उसमें चेंजेस करते जाइए, जो चीज अचीव होती जाए उस पे आप एक स्माइली का स्टिकर भी लगा सकते हैं, बड़ा मजा आता उसे कट नहीं करना है, स्माइली बनाना है। आई थिंक है. कट दैट्स नहीं करना है, इम्पोर्टेंट पॉइंट। जैसे हाँ, स्माइली एक स्टिकर लगा लीजिए, स्टिकर तो लगाए वो स्माइलीज जब बढ़ते जाते हैं ना तो बड़ा मजा आता है. यस, मोटिवेशन आपका और बढ़ता है कि लेट्स अचीव मोर। दैट्स अ गुड यस पॉइंट। यस, यही लोग करते हैं, हो गया तो उसको काट देते हैं। इट्स डन, बेसिकली इट्स अ गुड पॉइंट कि आप उसको काटे नहीं, स्माइली के उसमें वो करें। सो बिल्कुल. द वेरी गुड डिस्कशन। एंड इसके बाद हम ये भी जानना चाहते हैं कि वंस वी रीच टू द गोल, मान लीजिए 1 ईयर गोल के बाद, जैसे आप अब यू आर अ सक्सेसफुल ट्रांसफॉर्मेशनल कोच, सो व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप फॉर यू? डू यू एक दिस नथिंग लाइक यू हैव रीच देयर, राइट? इट इज समथिंग मोर। सो व्हाट इज दैट, वंस द पर्सन रीचेस टू सम लेवल, व्हाट दे शुड एस्पायर फॉर, हाउ दे शुड हैव अ बिगर जंप बेसिकली? ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सब्जेक्टिव है, हर एक के लिए डिफरेंट आंसर हो सकता है. बेसिकली वही है कि लाइफ इज अ जर्नी, एंड यू नो आई ऑलवेज से दैट आई एम अ वर्क इन प्रोग्रेस. हम सब वर्क इन प्रोग्रेस हैं, कोई एग्जैक्ट भी अल्टीमेट नहीं हो सकता. तो हमें एक कदम आगे तो सोचते रहना ही पड़ेगा कि लर्निंग शुड आज मैं नेवर बिल्कुल स्टॉप, राइट? लर्निंग शुड नेवर नेवर. स्टॉप। यस, सो लर्निंग, आपने बहुत ही अच्छा पॉइंट यहाँ पर लेकर आए लर्निंग का. लर्निंग इज अ वेरी वेरी पावरफुल थिंग जो कि हमको कॉन्स्टेंटली करते ही रहना है. जो भी अच्छा लगे, किताबें अच्छी लगती हैं, किताबें पढ़ें, किसी जिस भी चीज़ में इंटरेस्ट है उससे रिलेटेड कोई कोर्सेज करने हैं. अभी तो ऑनलाइन इतनी सारी सुविधाएं हैं, सारी चीज़ें ऑनलाइन आपको घर बैठे मिल रही हैं. ऑनलाइन कोर्सेज करें, लिखें, ब्लॉग्स बनाएं, अपने वीडियोस बनाएं, पोस्ट करें, जिससे भी आपको खुशी मिल रही है वो सब करें. और जो आपने बोला ना इसके आगे क्या, इसके आगे के लिए एक साल में मैंने जो अचीव करना था उसमें से जो चीज़ें मेरी अचीव हो गई वो उनको मैं स्माइली के साथ में वहाँ स्टॉप किया. और फिर उसके आगे अब मुझे क्या करना है, अब अगले एक साल में मैं क्या देखना चाहती हूँ अपने लिए, वो मैं उसको रिकंस्ट्रक्ट करूँगी और फिर उस पर काम करना शुरू करूँगी. तो स्टेप बाय स्टेप मेरा एक गोल आगे बढ़ता जाएगा. आई थिंक मोर तो इम्पोर्टेंटली, एक पीरियड पे पहुंचने के बाद हमको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हम स्ट्रेस आउट ना हो। कभी कभी होता है कि हम जिस गोल के लिए काम कर रहे हैं वो हम अचीव तो कर लें, बट हमारा स्ट्रेस लेवल भी बढ़ जाता है। फिर होता है कि शायद हम फैमिली, एक आपका गोल और अ पीरियड ऑफ टाइम प्राइमरी बन जाता है, फैमिली कम सेकेंड। तो वो भी एक बैलेंस एक लेडी को रखना चाहिए। टू आई नॉट से कि निगलेक्ट वन थिंग और द अनदर, बट एक स्ट्रेस लेवल आपका बढ़े नहीं किसी वजह से, जिससे आप अपना कूल लूज कर जाएं। बिल्कुल बिल्कुल. स्ट्रेस तो बढ़ाना ही नहीं है, आइडिया ही वो है कि आपको खुश रहना है. हाँ, विजन बोर्ड या कोई भी अपने गोल सेट करने का यही आइडिया है कि आपको खुश रहना है. तो आप कैसे उसको बैलेंस आउट करेंगी वो बहुत ही जरूरी है. आप देखिए, अगर हम अपने डे को प्रायोरिटाइज कर देना तो चीज़ें आसान हो जाती हैं, कि मुझे पता है कि ये टाइम मुझे फैमिली के लिए देना ही है, तो वो मैंने ऑलरेडी ब्लॉक कर दिया. उसके अलावा मेरा मी टाइम कितना बचा. वो मी टाइम हम सबके पास होता है, ऐसा नहीं नहीं होता है, हम ना उसको रियलाइज नहीं करते. कभी कभी इधर उधर की चीजों में हम उसको निकाल देते हैं. उस मी टाइम को कंस्ट्रक्टिवली अगर हम यूज करना शुरू करें
तो चीजें अपने आप होनी शुरू हो जाती हैं। अब जैसे किसी को सिंगिंग का शौक है, एक फ्रेंड से मेरी बात हो रही थी, उनको सिंगिंग का शौक है। अब बच्चे थोड़े बड़े हो गए हैं, अभी तो उन्होंने बीच में सिंगिंग बिल्कुल करना छोड़ दिया था, अब सडनली उन्होंने सिंगिंग शुरू किया, तो बच्चों को थोड़ा सा अजीब सा लगा कि ये मम्मी ने क्या नई चीज शुरू की। तो एडजस्ट हो गए। अब वही है कि उस समय अगर सपोज मुझे रियाज करना है या मुझे कुछ रिकॉर्ड करना है, तो मैं वो टाइम स्लॉट देख लूं जब किसी को डिस्टरबेंस नहीं हो रहा, या जब मुझे डिस्टरबेंस नहीं है, जब मेड चली गई है, घंटियां नहीं बजेंगी, दरवाजे पे कोई नहीं आएगा, दोपहर का टाइम है, सब सो रहे हैं, उस वक्त कर लूं। तो ये मेरे ऊपर है कि मैं किसे अपने दिन को प्रायोरिटाइज करूं करेक्ट, और अपने लिए भी टाइम निकाल लूं और फैमिली के लिए भी निकाल लूं। आई थिंक इम्पोर्टेंट पॉइंट, एक प्रायोरिटाइजेशन बहुत जरूरी है जिससे हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। अभी क्या होता है, हम लोग रियलाइज नहीं करते बट सोशल मीडिया के ऊपर हम लोग बहुत टाइम स्पेंड कर देते हैं, चाहे चाहे व्हाट्सएप हो या इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, बहुत सारी जो हम लोग अगर चाहें तो दिन का आधा घंटा एक डेडिकेटेड दे सकते हैं इन हैंडल्स के ऊपर और हमारा पूरा काम हो जाएगा। हमको हर 5-5 मिनट के बाद वो व्हाट्सएप चेक करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। सो एक प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए ये भी एक सजेशन है सबको कि आप अपना टाइम बांध लीजिए, प्रायोरिटाइज करिए एंड उसके उससे आप टाइम दे पाएंगे अपने गोल्स को या हॉबीज को। मधुर, आपने ना एक बहुत इंपॉर्टेंट बात अभी बोली कि हमें स्ट्रेस्ड आउट नहीं होना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो हमारे गोल्स हैं, जैसे मैंने अभी गोल्स और विजन बोर्ड की बात की, बहुत जरूरी है कि हम अपने गोल्स को एक स्मार्ट तरीके से डिजाइन करें। जैसे SMART, यू नो, स्मार्ट गोल्स, वेयर एस इज फॉर स्पेसिफिक, एम इज फॉर मेजरेबल, ए इज फॉर अचीवेबल, आर इज फॉर रिलेटेबल एंड टी इज फॉर टाइम बाउंड। तो हम अगर ये स्मार्टली गोल अपने डिफाइन कर लेंगे ना, तो हमारे लिए बहुत इजी हो जाएंगी चीजें। अगर सपोज फॉर एग्जांपल, अगर मैं सोचती हूँ कि मुझे एक बुक रीड करनी है और वो मुझे इस मंथ में कंप्लीट करनी है, मैंने उसको डिवाइड किया इतने नंबर ऑफ पेजेस, मैंने उसको डिजाइन कर लिया, देन आई कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट, यू नो। बट एक चीज जो मैं बोलना चाहूंगी स्ट्रेस के पॉइंट को लेकर, कि इट्स द गोल शुड बी वेरी रियलिस्टिक। आप उसको अगर रियलिस्टिक नहीं करेंगे तो आपके लिए स्ट्रेस बन जाएगा। कि अगर आपको सच में लगता है कि आपको दिन में उतना वक्त मिलता है कि आप एक महीने में एक बुक पूरी कर सकते हैं, तो ही वैसा आप टारगेट लीजिए, नहीं तो 2 महीने ले लीजिए, डजेंट मेक अ डिफरेंस, यू नो। सो अपने ऊपर बहुत ईजी रहकर अपने गोल्स डिफाइन कीजिए, उनको एंजॉय करते हुए आगे बढ़िए, बिकॉज मेनली सी द पॉइंट इज वी हैव टू एंजॉय आवर लाइव्स एज एन इंडिविजुअल ऑल्सो। It's a journey, not a one destination where you have to reach. It's a journey you should enjoy. And I think entire part is about the enjoyment, what you want to do in your life as a hobby, as a job creator, as a professional. So that enjoyment, relaxation has to be definitely there. And it doesn't have to be turned into a nightmare. Even your stress and all those things should come into picture. Correct, correct. So Geetika ji, आप इस जो पूरा हमारा डिस्कशन हुआ, हमने बहुत सारी चीजें डिस्कस करी, तो एक समरी जो हम अपने व्यूअर्स को देना चाहेंगे या जो स्मॉल टिप्स जो हमने बीच में लोगों को दिए, तो उनको आप एक समरी में बताइए 1 मिनट के अंदर कि लोग क्या चीज ध्यान रखें। बस वही है कि आप अपनी ख्वाहिशों को छोड़े ना, नंबर वन। शुरू से उनको अपने साथ में लेके चलें। अगर सच में ऐसा वक्त निकल गया है कि आप अब एक उम्र के ऐसे पड़ाव पर हैं जहाँ अब आप सोच रहे हैं कि मैं आगे क्या करूं, तो अभी भी देर नहीं हुई है। आप अपने गोल्स को लिख लीजिए, जो भी आपके मन में आता है उसको लिख लीजिए, उसका एक विजन बोर्ड बनाकर अपने यहाँ दीवार में कहीं लगा लीजिए, डायरी में लिखना शुरू कीजिए, और उन चीजों को स्टेप बाय स्टेप, छोटे छोटे स्टेप्स लेते हुए आगे बढ़ते हुए उनको धीरे धीरे करके अचीव करते जाइए। क्योंकि लाइफ में कोई भी उम्र इतनी बड़ी नहीं होती कि हम कुछ नया शुरू ना कर पाए। राइट, सो थैंक यू। आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, वेरी हैवी स्टेटमेंट। एंड मैं अपने व्यूअर्स को यही कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को एंड तक देखें और आपके कुछ और क्वेरीज हैं या कुछ सजेशंस हैं तो हमको कमेंट सेक्शन में बताएं, तो हम मैं गीतिका जी के साथ बात करके उनको रिस्पॉन्ड भी कर सकता हूँ और आपको और आगे एडवाइस भी कर सकते हैं। सो इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। और हमारे चैनल को अगर आपने लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से जल्दी करिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू गीतिका जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना इम्पोर्टेंट टाइम देने के लिए।
Thank you, Happy Happy Ghar. This is a great initiative and it was wonderful talking to you, Madhur. Thank you. Thank you. Have a good day. Happy Women's Day to you. Thank you.